माई डियर पेरेंट्स, वेलकम टू पावर पेरेंटिंग सेशन। देर इज नथिंग मोर डेंजरस देन अ लेजी पेरेंट। ये बिल्कुल सच बात है। अगर आप लेजी हैं तो आप पावर पेरेंट नहीं बन सकते, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे डिस्ट्रैक्शन नहीं है बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है। दुनिया भर के जो प्रॉस्पर कंट्रीज हैं, अगर आप उसका पेरेंटिंग स्टैंडर्ड उठा के देखें तो बहुत हाई है। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, कैनेडा, यूएसए, जापान, सिंगापुर, और इंडिया का रैंक अनफॉर्चुनेटली 60th है आउट ऑफ 80 कंट्रीज सर्वेड। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है अपने बच्चों को पढ़ाने का? हम सब पेरेंट्स का कोर ऑब्जेक्टिव अपने बच्चों को पढ़ाने का होता है कि हम अपने बच्चों को रिच बना सकें, खुश देख सकें, उनका ब्राइट फ्यूचर हो। ना केवल ब्राइट फ्यूचर हो बल्कि वो ग्रेट और फेमस इंडिविजुअल्स बन सकें। इस सब को करने के लिए आप स्पेंड क्या करते हैं? 10 से 50 लाख रुपए आपका लग जाएगा अगर आप आज के मॉडर्न डे टाइम के हिसाब से एजुकेशन देते हैं। 20 साल, अ मिलियन प्रेयर्स, आपकी एनर्जी, आपकी होप्स, आपके ड्रीम्स, या यूं कहें कि पूरी जिंदगी लग जाती है अपने बच्चे का फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए एक पेरेंट का। लेकिन इस सब का आउटकम क्या आता है? सब कुछ खर्च करने के बावजूद जो आउटकम रहता है वो बिल्कुल अनसर्टेन है। दुनिया में एजुकेशन ही एक अकेली ऐसी इंडस्ट्री बची है जिसका आउटकम गारंटेड नहीं है। आप सबसे सक्सेसफुल लोगों का बैकग्राउंड देखें। मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, एआर रहमान, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, अंबानी, या यूं कहें अपने सिटी के किसी भी आप टॉप मोस्ट इंडिविजुअल को उठा के देखें, क्या है इन सबके पीछे, क्या कॉमन चीज है? क्या इनके मार्क्स और डिग्रीज कॉमन है? ये इनके पास बहुत पैसा था? ये इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत जबरदस्त था? ये इन सब ने हार्डवर्क जो किया बहुत ज्यादा किया? ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है मेरे दोस्तों। पेरेंट्स, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के पीछे जो चार चीजें कॉमन हैं, वो है उनका स्मार्ट माइंडसेट। वो सभी टैलेंटेड लर्नर्स हैं, अर्ली बिगिनर्स हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। आप जरा कंप्यूटर या मोबाइल के बारे में सोचिए। जिस मोबाइल पे, जिस कंप्यूटर पे आप काम करते हैं, उसकी वैल्यू किस चीज में है? जब आप बाजार से कंप्यूटर या मोबाइल लेने जाते हैं तो उसकी वैल्यू निर्धारित होती है कि उसमें रैम कैसा है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ना कि हार्ड डिस्क से। सबसे ज्यादा वैल्यू है किसी भी मशीन की तो वो उसकी स्पीड में है, उसकी प्रोसेसिंग एबिलिटी में है। इसी तरह से आपके बच्चे का जो ब्रेन है, उसकी जो रियल वैल्यू है वो उसको नॉलेज कितना है उसमें नहीं है। उसकी रियल वैल्यू है कि उसकी नेचुरल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटीज क्या है। अगर आपके बच्चे को इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो, नॉलेज बहुत ज्यादा हो, लेकिन वो टाइम पे उसको प्रोसेस ना कर पाए, स्पीड से आउटकम ना दे पाए, तो उस नॉलेज का कोई बेनिफिट नहीं है। इसी तरह से साइंस में सब कुछ पॉसिबल है। साइंस एफर्टलेसनेस का नाम है। साइंस का मतलब है कि हर चीज को आप गारंटेड आउटकम दे सकते हैं, क्योंकि साइंस कहती है कि जिस चीज को भी टेस्ट या मेजर किया जा सकता है उस चीज को अचीव किया जा सकता है। क्या आप अपने बच्चे का माइंडसेट टेस्ट या मेजर कर सकते हैं? उसका टैलेंट और नेचुरल एबिलिटीज क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मेंटल एबिलिटीज क्या है? उसके लिए हमें अपने बच्चे का माइंडसेट जानना जरूरी है। एक बच्चे के माइंडसेट के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती है, जैसे इमोशंस, फ्रेंड्स, फियर्स एंड थ्रिल्स, क्रिएटिविटी दौड़ रही होती है, बहुत सारे आइडियाज, स्कूल की पढ़ाई लिखाई, दोस्त, फैमिली, गेम्स, खेलना कूदना, सब कुछ चल रहा होता है। चैलेंज ये आता है सिर्फ कि ये माइंडसेट चैनलाइज नहीं है। हम एक ऐसा सॉल्यूशन चाहते हैं, पेरेंट्स के पास एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो अपने बच्चे के माइंडसेट को चैनलाइज कर पाए। इसके लिए हमें उसका रूट कॉज जानना जरूरी है कि इस माइंडसेट को डिस्टर्ब क्या चीज करती है। एक बात आपको ध्यान रखने वाली है कि बच्चे बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, उनमें एक्सेसिव एनर्जी होती है, लेकिन अगर हम सिर्फ उन्हें पढ़ाई लिखाई कराते रहेंगे, सिर्फ बुकिश लर्निंग देते रहेंगे, तो वो बोर हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो अपना अंदर का जो रियल टैलेंट है, जो स्किल्स हैं, उसको भी डेवलप नहीं कर पाते। मॉडर्न डे टाइम के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऑलमोस्ट हर पेरेंट को, वो ये है कि बच्चे या तो स्टबन हो रहे हैं या हाइपर होते जा रहे हैं। मोबाइल एडिक्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डल होना, यानी कि कॉन्फिडेंस का ना होना, भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन नटशेल अगर मैं कहूं तो हर घर में एक अफलातून बैठा है, और इन सारी प्रॉब्लम्स का क्या कोई एक सॉल्यूशन था? इसी के ऊपर 9 साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया, और उसका नतीजा ये निकला कि दुनिया का सबसे एडवांस्ड, साइंटिफिकली वैलिडेटेड, रिलायबल और स्टैंडर्डाइज कॉग्निटिव टेस्ट प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसका नाम है अनलॉक। अनलॉक
अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके बच्चे के माइंडसेट को न्यूमेरिकली टेस्ट और मेजर करता है ताकि आपको उसकी ट्रू पिक्चर सामने नजर आए। फॉर एग्जाम्पल, अनलॉक टेस्ट एंड असेसमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपके बच्चे का आईक्यू कितना है, फोकस और कॉन्सेंट्रेशन का लेवल क्या है, डिसीजन मेकिंग स्पीड कितनी है, उसकी क्रिएटिविटी कितनी है, आपके बच्चे का लर्निंग स्पीड क्या है, उसका लर्निंग एफिशिएंसी कितना है, यानी कि कितनी बात वो इनपुट की तरह समझता है, कितनी बात रिटेन करता है और कितनी बात दिमाग में ही गुम हो जाती है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे की नेचुरल एबिलिटी क्या है, उसका कंप्लीट लर्निंग नेचर एनालिसिस करता है अनलॉक टेस्ट एंड असेसमेंट प्लेटफॉर्म। बेस्ड ऑन दिस लर्निंग नेचर एनालिसिस, अनलॉक अपने आप एक एक्टिविटी बंडल तैयार करता है पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चे को आपने वीकली या मंथली कौन कौन सी एक्टिविटीज करानी है, कैसी वर्कशीट्स करानी है, डेली एक्टिविटी प्लान तैयार करके देता है ताकि वो कॉम्पिटिशन्स में और पॉजिटिव एक्टिविटीज में बिना टीवी मोबाइल के बिजी रहे, इंक्लूडिंग रिकमेंडेशंस भी देता है आपको कि आपको अपने बच्चे के लिए कौन सी किताबें, कौन सी मूवीज, कौन सी गेम्स डाउनलोड करनी चाहिए। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अनलॉक काम कैसे करता है। जैसे ही आप kidsunlock.com वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करते हैं अपने बच्चे को, सबसे पहले आपको एक डैशबोर्ड मिलता है। उस डैशबोर्ड का फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने बच्चे का असेसमेंट करें। असेसमेंट बेहद इंटरेस्टिंग है। ये असेसमेंट दो पार्ट्स में होता है। इसमें 90 क्वेश्चंस होते हैं बच्चे के लिए और 80 क्वेश्चंस होते हैं पेरेंट्स के लिए। अगर आपका बच्चा ग्रेड 3 से लेके यानी कि तीसरी क्लास से लेके ग्रेड 8 तक, आठवीं क्लास तक है, तब ये दो पार्ट्स में होता है। लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं, प्लेवे से लेके ग्रेड 2 तक के बीच में है, तो सारे क्वेश्चंस पेरेंट ने ही करने होते हैं। उसका क्वेश्चनर भी अलग होता है। क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है। जो बच्चे ने करना है उसके लिए उसको टाइम मिलता है 25 से 30 मिनट और पेरेंट्स ने जो पार्ट करना है उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे ही आप असेसमेंट कंप्लीट करते हैं तो आपके डैशबोर्ड पे आप स्ट्रेट अवे बच्चे की कॉग्निटिव और नेचुरल एबिलिटीज का रिजल्ट और एनालिसिस देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अनलॉक कैसे आपके बच्चे का स्ट्रेंथ्स और स्किल सेट और कॉग्निटिव प्रोफाइल को मेजर करता है, उसका डायनेमिक आईक्यू, फोकस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी क्वेश्चंट, कॉग्निटिव कैपेसिटी यानी कि उसका एफिशिएंसी कितना है, लर्निंग पेस कैसा है, स्लो है, मीडियम है या फास्ट है, थिंकिंग पैटर्न क्या है आपके बच्चे का, एस्टिमेशन लेवल स्कोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कोर है। इससे ये पता चलता है कि आप अपने बच्चे को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ओवर एस्टिमेट करते हैं या बिल्कुल ठीक जजमेंट करते हैं। दूसरा, हमें ये मालूम पड़ता है कि उसका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, नेचुरल एबिलिटी मिली क्या है। देर आर 8 डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। उन लर्निंग स्टाइल्स को भी मेजर करता है कि जैसे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पे कहाँ पे स्केल है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कैसा है, लॉजिकल और विजुअल कैसा है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस कैसा है, बच्चे का इंट्रापर्सनल स्किल्स कैसी है और उन सब में उसका नेचुरल स्ट्रेंथ कौन सी इंटेलिजेंस है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपके बच्चे का नेचुरल स्ट्रेंथ लिंग्विस्टिक है, यानी कि अक्सर इस टाइप के लर्नर्स बहुत अच्छे कॉमेंटेटर्स, रेडियो होस्ट, टीवी होस्ट, अटॉर्नीज, जर्नलिस्ट, न्यूज़कास्टर्स, इन सब प्रोफेशंस के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं। ये असेसमेंट हर साल होता है। टेस्ट रिजल्ट बच्चे की ना केवल स्ट्रेंथ्स और लर्निंग नेचर शो करते हैं बल्कि टैलेंट भी किस डायरेक्शन में उसका डेवलप किया जा सकता है, ये कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलती हैं। इस लर्निंग नेचर एनालिसिस के बाद आपका एक्टिविटी बंडल ओपन हो जाता है। एक्टिविटी बंडल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट बिल्डिंग वर्कशीट्स। हर महीने 50 वर्कशीट्स आपके बच्चे के लिए आपको ये डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली बिल्ड करके देता है उसके ग्रेड के हिसाब से। आपका काम केवल यही है कि उनको डाउनलोड कीजिए। आइडियली अगर आप 2 वर्कशीट्स हर रोज करवाते हैं, इट्स विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स। अदरवाइज बहुत सारे पेरेंट्स वीकेंड्स पे 7 या 8 वर्कशीट्स अपने बच्चों को देते हैं कंप्लीट करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा एक्टिविटी, वो है आपके बच्चों को आपने पॉजिटिव एक्टिविटीज में, एक्सपेरिमेंट्स में, कॉम्पिटिशंस में कैसे एंगेज रखना है, उसके लिए डेली टास्क बंडल होता है। बच्चे के स्ट्रेंथ एरिया के हिसाब से आपको हर वीकेंड पे उसको कौन सी एक्टिविटीज करानी है, इट कुड बी वीडियो, ऑडियो, इट कुड बी वर्कशीट्स। फॉर एग्जाम्पल, उसकी टॉप 4 स्ट्रेंथ्स के हिसाब से आपको वीकेंड एक्टिविटीज मिलती है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि एक बच्चे के लिए राइट एटमॉस्फेयर उसकी नेचुरल एबिलिटी के हिसाब से क्रिएट करना होता है और मूवीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको ये प्लेटफॉर्म, अनलॉक प्लेटफॉर्म, रिकमेंडेशन देता है कि मूवीज आपके बच्चे की लर्निंग नेचर के हिसाब से मोस्ट सुटेबल कौन सी हैं, बुक्स कौन सी हैं, वीडियो गेम्स कौन सी हैं,
अब बात करते हैं पावर पेरेंटिंग करने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म की, जिसका नाम है इंटेलीथॉन। इंटेलीथॉन एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 30 टैलेंट बिल्डिंग एक्टिविटीज में या कॉम्पिटिशन में आपके बच्चे को हर महीने बिना टीवी मोबाइल के एंगेज रखता है। प्लेटफॉर्म से न केवल उसका रीडिंग और राइटिंग इम्प्रूव होता है, बल्कि कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, स्पीड, डिसिप्लिन और टीवी मोबाइल का एडिक्शन तो छूटता ही है। रिसर्च भी यही साबित करती है कि जो बच्चे एक्सपेरिमेंट्स में और कॉम्पिटिशन में हमेशा बिजी रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस और लर्निंग 100% से भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ चैलेंज ये आता है कि एज अ पेरेंट, आपका और आपके बच्चे का जो बॉन्डिंग टाइम है, एंगेजमेंट टाइम है, वो आजकल मिसिंग है। करने का तरीका क्या था कि हमने एक 30 एक्टिविटीज का प्लेटफॉर्म तैयार किया। इन एक्टिविटीज को कॉम्पिटिशन के फॉर्मेट के अंदर तैयार किया। 30 कॉम्पिटिशन 30 कैटेगरीज के अंडर 30 डिफरेंट टॉपिक्स दिए जाते हैं। उन टॉपिक्स के ऊपर बच्चों ने परफॉर्म करना होता है और आपने ये एक्टिविटीज अपलोड करनी होती है। जैसे कि कैटेगरीज हैं कंप्यूटर, ड्राइंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, गार्डनिंग, आइडियाज, क्रिएटिविटी, पॉलिटिकल एंड सोशल, वीडियो, जीके, स्टोरी टेलिंग, राइटिंग, इनोवेशन, फैंसी ड्रेस के अंदर, एनवायरमेंट, कुकिंग, पेरेंटिंग, साइंस, स्केचिंग, पोएट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिल्मों के स्क्रिप्ट्स लिखना, डायलॉग राइटिंग करना, इवन डे ड्रीमिंग करना, ये भी एक कॉम्पिटिशन है। इंटेलीथॉन प्लेटफॉर्म में तो मोटिवेशनल सर्टिफिकेट्स और प्राइजेस भी मिलते हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स ग्लोबली अप्रिशिएटेड हैं। एशिया के अकेले प्लेटफॉर्म्स जो यूरोपियन जर्नल ऑफ बिहेवियरल साइंसेज में, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी में पब्लिश्ड हैं। इसका केस स्टडीज, इसके एविडेंस ऑफ इफेक्टिवनेस, इसके आउटकम्स, यहाँ तक कि क्रिएशन के ऑस्कर्स कहे जाने वाले रीइमेजिन एजुकेशन फोरम सैन फ्रांसिस्को में भी शॉर्टलिस्टेड और प्रेजेंटेड। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक पावर पेरेंट बनने के लिए आपको अपने बच्चे की स्ट्रेंथ्स पे काम करना होता है, ना कि वीकनेस पे। क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ्स पे काम करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसके वीकर एरियाज ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। एक पावर पेरेंट अपने बच्चे को स्पेशलाइज बनाता है, ना कि ऑलराउंडर। नंबर 3, एक पावर पेरेंट अपने बच्चे का नेचुरल एबिलिटी और टैलेंट जल्द से जल्द 3 साल से लेकर 12 साल की उम्र के अंदर ही रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई और मेजर कर लेता है। जबकि एक वीक पेरेंट कंफ्यूज रहता है उसके स्कूल स्कोर्स के बीच में या टैलेंट के बीच में। आप एक पावर पेरेंट तभी हैं अगर आपका बच्चा हाईली टैलेंटेड है, मेंटली स्ट्रांग है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है। ना ड्रग्स ना क्राइम उसे छू सकते हैं, ना ही कोई मोबाइल एडिक्शन। तो आप आज ही विजिट करें kidsintellithon.com पे, वहां पे दोनों प्लेटफॉर्म्स का इन्फॉर्मेशन लें, इंटेलीथॉन का भी और किड्स अनलॉक का भी, और अपने बच्चे के लिए दोनों प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करें। इट विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स विद इन 3 to 6 months। बेस्ट विशेस। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, मदर ऑफ कृषांग वत्स एंड रुषांग वत्स, एंड वी आर यूजिंग दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म कॉल्ड इंटेलीथॉन। इट इज गिविंग अस द फैमिली टाइम दैट वी नीडेड, and it is reducing the screen time of my kids. They look forward to all the activities, they look forward to participate in all the competitions, they get to know their interest, they now know that they like singing and dancing and sometimes, you know, just joking around, because they're not enjoying all the activities which previously they never used to. They have the sense that, you know, it is competitive, so we must participate, we have a chance to win, and that boosts their morals and that motivates them. And especially my elder son, he is just loving his time on this app. The major improvement is that they are more interactive. They have become more social. Instead of, you know, just a couch potato, they are now more outwardly, they are more outspoken, and I'm loving the improvements. So I am thankful to the whole Intellithon team for this incredible app and this incredible platform. And I'm really, really, really happy to see the improvement in my kids. Thank you so much. Intellithon, hats off to the inventor of Intellithon. Intellithon is the right stage for the parents and kids to engage themselves in hilarious, interesting, innovative, motivating, and learning so many positive skills. Intellithon encourages kids by giving reward money and winner certificate. I'm personally satisfied with it. To be frank, my daughter was good and better, but now I can say she is excellent and extraordinary. The reason behind is Intellithon. And I do all Intellithon activities. Intellithon made our bonding strong and happy. Hi, myself Fatima Abbas, mother of Nahya Abbas.
I have been using this awesome and unique platform of Cracks for my daughter Nahya since few months, and I should say that she's thoroughly enjoying all the worksheets given, as these are really, really very engaging and practical too. And the uniqueness of these worksheets is that before assigning these worksheets, they conduct a test on the behavior and mental ability of the child. So this is the uniqueness that I subscribe for. So I want to thank each and every member of Cracks for giving us such an awesome platform. We being parents are also enjoying with our children. So thank you so much.